ये है डलकेट कंपनी का ना कार स्टीरियो। आप अपने कार के लिए ना कोई स्टीरियो प्लेयर सर्च करें ना तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही पॉपुलर है ये। ऐसा कुछ आपको ना डी अटैचेबल पैनल भी मिल जाता है, सारे फीचर्स ना इन्होंने इसमें ऐड कर दिए, मतलब दुनिया भर के सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। आपको अगर बेस्ट डील चाहिए होगी ना तो इनके वेबसाइट पे ना आपको बेस्ट डील मिल जाएगी। आपको सिर्फ सर्च करना है D9000X, इस नंबर से आप सर्च करोगे ना तो आपको वो मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ना URL डाल दी है, तो आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। तो फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर देते हैं और उसके बाद ना आपको मैं इसको स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि अलग अलग कलर मोड्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं और ये कैसे ऑपरेट करना है ना वो भी आपको मैं समझा दूंगा। ये इसका डिटेचेबल पैनल है, आपको ना ऐसे डिटेचेबल पैनल भी मिल जाता है। ये देखिए ऐसा कुछ ना दिखता है डिटेचेबल पैनल। बॉक्स के अंदर ना आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब आपको बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। ये ना पावर केबल है, ये ना स्पीकर की केबल है, स्पीकर कनेक्ट करने के लिए 4 स्पीकर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ये ऑक्स केबल है, आपने देखा ना कितनी लंबी उन्होंने ऑक्स केबल दे दी है। और ये मेन पैनल है, ऐसा कुछ आपको मेन पैनल भी मिल जाता है। ये यहाँ से ये कनेक्ट होता है डिटेचेबल पैनल। SD कार्ड का ना ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपको दिख रहा होगा SD कार्ड का ऑप्शन। तो लेफ्ट टू राइट ना इसको पुश करना पड़ेगा, या हम इसको ऐसे पुश कर देते हैं, प्रेस कर दिया तो इस तरह से कुछ ना ये फिट हो जाता है। ये एक डोर की तरह है, यहाँ पर आपको ना 2 USB मिल जाते हैं, ठीक है। एक में तो पेन ड्राइव लगेगा और एक में ना आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और सारी चीज़ें ना आपको इसमें मिल जाती है, जैसे मैं ऑन करूँगा ना आपको सब समझा दूँगा। यहाँ पर ना पावर ऑन ऑफ का बटन है, मोड भी आप इसमें चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए ना यही है नॉब प्रेस कर देना। यहाँ पर भी आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं बेस टेबल के। यहाँ पर ये मोड मतलब ऑक्स ब्लूटूथ पेन ड्राइव इसके लिए ये मोड्स है। यहाँ पर म्यूट का एक अलग बटन है, यहाँ पर माइक भी उन्होंने दे दिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर उन्होंने ना माइक भी दे दिया है, यहाँ पर ऑक्स भी उन्होंने दे दिया है। ये आपको एक रिमोट भी इसमें मिल जाता है, मतलब ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ठीक है। आपको हर बार ना वो प्रेस करने नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ये कुछ क्लिप्स दिए हैं, ठीक है, जब आप कार में बिठाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये इनका यूज़र मैनुअल है, जैसे कि आपको यहाँ पर ना सारी चीज़ें मिल जाती है। USB आपको इसमें मिल जाता है, SD कार्ड का भी ऑप्शन है, ऑक्स इनपुट, ठीक है, FM रेडियो भी ना आपको इसमें मिल जाता है। ये कुछ टैग है ID3 का, 5 वाट का चार्जिंग आपको इसमें मिल जाता है, मतलब मोबाइल चार्ज करने के लिए। और ब्लूटूथ भी आपको इसमें मिल जाता है, यहाँ पर ना कहीं पर भी लिखा नहीं है तो आप कन्फ्यूज मत हो जाएगा, लेकिन इसमें ना आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारे कनेक्शंस पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या ऑपरेट करना है, कैसे कैसे प्लग इन प्लग आउट करना है। ये रिमोट है, एक बार मैं आपको पीछे की साइड दिखा देता हूँ ताकि आप भी समझ जाओ। ये पावर केबल है, मतलब ये जो येलो कलर की इसमें वायर है ना ये यहाँ पर बिट जाएगी, पावर की है। और ये स्पीकर्स की है, ठीक है, आप इसको ऐसा रखोगे ना तो ये स्पीकर्स की है। इसके बाद आपको लंबी वायर लगेगी, ये एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। और ये ना एंटीना के लिए, एंटीना का सिग्नल लेने के लिए आपको यहाँ पर कुछ प्लगइन करना पड़ेगा। और ये ना आपको एक स्विच मिल जाता है, ठीक है, अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना तो ये पहले ख़राब हो जाएगा, इसको आप चेंज कर लो तो उसके बाद ये फिर से ऑन हो जाएगा। और इसके बाद ना आपको यहाँ पर सील मिल जाता है, ठीक है, 1 ईयर की वारंटी जो आपको इसमें मिल रही ना तो इसको ब्रेक मत करिएगा। तो इस तरह से ना आपको रिमोट मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ का, वॉल्यूम का, ये क्लिक, ये म्यूट का है, बैंड्स का है, मोड, इक्वलाइजर, चैनल सेट करने के लिए, FM के लिए, सारी चीज़ें ना इसमें मिल जाती है। वैसे रिमोट ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मतलब इसकी बिल्ड ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो इस तरह से ये ऑन हो गया है, आपको दिख रहा है ना कलर कोड, थोड़ी सी रोशनी कम करने पे ना बहुत ही अच्छा दिखेगा, इस तरह से दिख रहा है। अभी ऑटो मोड पर है, अलग अलग कलर मोड्स ना आपको इसमें ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं, ठीक है, वो भी सेक्शन आपको मिल जाएगा। इसको फिर से ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो गया। ये जो सेंटर वाला बटन है ना, ये देखो, बास, बेस, ट्रेबल है, इसके बाद बैलेंसिंग है, को दिख रहा होगा, फेड है,
एलईडी ऑफ ऑन ऑफ, इक्वलाइजर है ठीक है, रॉक पॉप क्लासिक, ये जो इक्वलाइजर्स है ना, आप इसको आपको सिर्फ ये ना घुमाना है, इससे आपको चेंज हो जाएगा ठीक है। रॉक पॉप और एक बार प्रेस कीजिएगा, स्टीरियो मोनो है, इसके बाद डीएक्स ठीक है, ये लोकल और डीएक्स ऐसा कुछ सेटिंग है, ये ऑटो है, ये दिखा कलर, या आपको अभी लाइट्स का ना अलग अलग कलर्स में मिल जाएगा, आपको सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग चेंज हो जाएगा। रेड करके देखते हैं, ग्रीन करते हैं ठीक है, ग्रीन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी वॉल्यूम है, ये देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसके बाद ख़त्म हो गया, ये बेस का है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोड का दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर दिखा दूँ, प्रेस कीजिएगा, ऑक्स आ गया, इसके बाद बीटी आ गया, बीटी मैंने आपको बोला था ना बीटी ब्लूटूथ है इसमें, और एक बार प्रेस करूँ ट्यून, FM के लिए ना ट्यून हो रहा है। और उसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, आपको ना इनकी साइट में ना बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ना पिछले 35 साल से ना इस कार स्टूडियो मार्केट में है, और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये ठीक है, डलकेट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आपको ना डिस्क्रिप्शन में ना इनकी URL मिल जाएगी, आपको वहाँ पर अच्छे डील्स भी मिल जाएंगे, और अगर आपको बाकी वेबसाइट्स के URL भी चाहिए होंगे ना, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक भी कर दीजिएगा, और इस प्रोडक्ट के डिटेल्स ना आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।